बाबा मुंगीपा जी महाराज में मेरी गहरी श्रद्धा है। चौधरी बंसीलाल जी से लेकर मुझ तक हमारे परिवार ने सदैव चुनाव प्रचार की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना से की है। आज मैंने भी ये परंपरा को निभाया है। मुझे विश्वास है कि मुंगीपा जी के आशीर्वाद और जनता के स्नेह से हम चुनाव में सफलता प्राप्त करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा मुंगीपा जैसे महान संतों ने यहाँ पे समाधि है और उनका एक विशेष आशीर्वाद इस तमाम क्षेत्र पे रहा है। इस और सम्मानित जनता को मैं आज गणेश चतुर्थी की भी पावन आज चतुर्थी है उस दिन को भी मैं आज उनको सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद सबका बना रहे ताकि कुशाम में जो प्रगति और विकास की गति है वो आगे बढ़ती चले। आज आपने जल संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है, इसके बारे में बताएं किस प्रकार का रुझान मिल रहा है और काफी आपके प्रोग्राम आज तो सामने। आज चलिए आप देखिएगा क्या रुझान है, सब अपने साथ हैं, बहुत मजबूत मजबूती से सबकी सब आज के दिन भाजपा के साथ खड़े हुए। क्या लग रहा है आपके दादा की कर्म भूमि रही है, आपके पिता भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, आपकी माता भी लड़ी है, अब आपकी कर्म भूमि होने जा रही है, इसके बारे में विधानसभा चुनाव आप यहाँ से। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि यहाँ पे मैं 2009 से 14 से या 14 तक मैं यहाँ पे सांसद भी रही लोगों की कृपा से और यहाँ पे गांव-गांव में काम किया है। एमपी लैड की बात हो, सेंट्रल स्कीम्स की, उस तमाम नाबार्ड से जो सेंटर से पैसा लाकर किरण जी ने उस पैसे का उपयोग करकर गांव-गांव में पेयजल की, पीने की पानी की समस्या का हल किया और बहुत बड़े पैमाने पे प्रगति और विकास किया, तो सब जानते हैं इन चीजों के बारे में। कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना, ये वही बार बार क्या कहना, कर देंगे जब करेंगे आ जाएंगे, चुनाव तो लड़ना ही है सबको।